हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी जो है एंड्रॉयड ऐप्स जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो बढ़ा सकता है या तो जो है आपके लाइफस्टाइल को जो है इम्प्रूव कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली ऐप यहाँ पे जो है वो ये वाली है, मेडिटेशन वाली म्यूज़िक की ऐप है। तो इसके अंदर जो है ये टाइड करके का आती है और आप जो है ये काम करके दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ये लोगों ने म्यूज़िक सेट करके रखे है जिसको आप कानों में लगा के सुन सकते हैं और जो है आपके माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। या तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आप समुंदर किनारे बैठे हैं या तो आप जो है कोई जंगल में बैठे हैं और आप चिड़ियों की चहचहाट का जो है साउंड आएगा तो आपको जो है मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग होगा और आपका काम करने के टाइम पे भी फोकस रहेगा और आसपास का जो एकदम नॉइसी एनवायरनमेंट रहता है उसमें भी आपको जो है एकदम रिफ़्रेशिंग फील होगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जो है एक यहाँ पे एक ऐप है टेक्सपांड। तो जनरली हम जब टाइपिंग करते हैं तो बहुत टाइम जो है हमें अलग अलग टाइप के फ्रेजेस या तो एड्रेसेस या तो ईमेल आईडीज जो है हमको लिखना होता है और उसके लिए फिर हम कहीं पे उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर वहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसको वो जो हमारी पूरी प्रोसीजर है उसको हटाने के लिए ये एक ऐप है। इससे यही होगा कि आपको जब भी कुछ टाइप करना होगा, एब्रीविएट करना होगा तो यहाँ इसमें एक बार आपने स्टोर कर दिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली जहाँ भी आपको टाइप करना होगा वहाँ पर आप टाइप करेंगे तो स्टोर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिससे कि आपका बहुत सारा जो है समय बच जाएगा। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है क्लिपबोर्ड एक्शन, तो ये एक्चुअल में स्मार्ट क्लिपबोर्ड है जिसके अंदर जो है आपने आप जो है अलग अलग चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं और आपने प्रीवियसली जो टेक्स्ट को स्टोर किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है इसको आप कॉपी करके इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और इसको फिर जहाँ भी मन चाहे रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि मोबाइल के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ कॉपी पेस्ट करना हो या तो कॉपी किया हुआ बार बार दो तीन जगह यूज़ करना हो तो कई बार जो है बहुत दिक्कतें आती है। तो ये बहुत काम लगेगा आपको, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जैसे कि टेक्नोलॉजी आपको पता ही है कि जनरली हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए रखा है, मतलब बनाया गया है, बट एक्चुअल में ये हमको जो है बहुत बिजी कर देता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से फ़ोन के अंदर है कि भाई हम वीडियो गेम खेलें, यूट्यूब देखें, फेसबुक करें, इंस्टाग्राम करें, सेल्फी खींचें, वीडियो बनाएं, काम करें कि क्या करें। तो ये एक्चुअल में लाइफ को और बिजी कर दिया है। इससे अच्छा था कि पहले के फ़ोन थे जिसमें कुछ था ही नहीं, खाली फ़ोन ही था। तो अब जो है इसको जो है कंट्रोल करने के लिए इसको आप जो है ये ऐप का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना ऑफ टाइम जो है सेट कर सकते हैं कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है दूसरी सब ऐप जो है जैसे फेसबुक हो गया, मतलब यूट्यूब हो गया, अब इसको उतने टाइम के लिए जैसे कि 6 घंटे आप कंपनी में काम करने जा रहे हैं, आपको बार बार मन हो रहा है और आप जाके खोल के उसको देख रहे हैं तो ये जो है आपको वो करने से रोकेगा। जितनी भी आपने ऐप जो है उसमें डाल के रखी है वो सभी ऐप को जो है वो वहाँ पर ब्लॉक करके रखेगा और व्हाट्सएप जो है चैटिंग ऐप्स को जो है वो भी वहाँ पे ब्लॉक करके रखेगा उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, फोकस भी बढ़ेगा और लाइफ भी आपकी थोड़ी सी शांत हो जाएगी। उसके बाद जो है रेस्क्यू टाइम मैनेजमेंट है। तो इसके अंदर तो ये भी उसी टाइप की ऐप है बट ये आपको जो है एनालाइज करके देगी बेसिकली कि आप जो है कौन सी ऐप में कितना समय आपका जो है वो निकाल रहे हैं, फ़ोन पे कितना समय निकाल रहे हैं, टॉकिंग जो मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं उस पर कितना समय निकाल रहे हैं, यूट्यूब कितना देख रहे हैं, फेसबुक पे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये जो है ऐप आप ज़रूर ट्राई करें और आप एक दो वीक या तो एक महीने तक यूज़ करें और देखें कि आप एक्चुअली फ़ोन पे क्या कर रहे हैं और कितना समय आपका कौन सी चीज़ पे जा रहा है और उसके हिसाब से जो है आप अपने टाइम को जो है मैनेज करें। फ़ोन का कितना यूज़ करना है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, तो इसको भी जो है आप ज़रूर ट्राई करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो है आपको ये सब ऐप्स जो है वो अच्छी लगी होगी, आप एक बार उसको यूज़ करें और उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में जो है आप डाल के आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।